आदाब नाजरीन, मैं सफदर कैसर माह रबी अव्वल की दिली मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मिल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, सरजमीन मैसूर में मुनक़िदा जश्न मिलादुन्नबी सारी रियासत में मशहूर है और कई अजला के लोग यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, और खुसूसन 12 रबीउल अव्वल जिस दिन जश्न मिलादुन्नबी का इजलास होता है वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं, जिसका सारा इंतजाम सेंट्रल मिलाद कमेटी यानी मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से किया जाता है, और उसकी सदारत साबिक वज़ीर कर्नाटक अल्लाह तनवीर सेठ साहब फरमा रहे हैं। उनका साथ देते हुए तमाम उलमाए किराम उमैदीन शहर इसमें जोख दर जोख अपने बयानात के जरिए सीरत नबी के मुताबिक तमाम बातें पेश करते हैं, और ये कोशिश की जाती है कि कन्नड़ जुबान में भी लोगों को ये मालूम कराया जाए कि सीरत नबी का इजलास का मकसद क्या है। आज मैं ये बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। आज मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से तनवीर सेठ साहब की सदारत में आज अपना घर में एक मुशावरत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम उमैदीन शहर मौजूद रहे, और तमाम ने एक जा होकर एक फिक्र की के आने वाले दिनों में, चूंकि चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो या वक्बर्ड से जारी करदा नोटिफिकेशन हो, जैसे कि आप तमाम जानते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में माह रमजान, बकरे ईद और उसी तरह मुहर्रम का महीना भी गुजर गया, और हम तमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शरायत को बखूबी अंजाम देते हुए उन शरायत पर मुकम्मल होने की पूरी कोशिश की। इसी तरह से आने वाले मिलादुन्नबी के जलसे को लेकर भी कई तरह के शरायत दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से भी, तो इस लिहाज से तमाम ने तबादला ख्याल किया, और उलमाए किराम उमैदीन शहर और तनवीर सेठ ने यही एक ही फैसला लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन शरायत पर अमल मुकम्मल उतरेंगे, और उस दिन यानि जश्न मिलादुन्नबी के दिन हम जैसा कि अब तक रिवायत चली आ रही थी इस मरतबा हालात की वजह से वो नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद में जिस तरह से हमें छूट दी गई है बाकायदा सोशल डिस्टेंस के साथ हम अपने अपने तौर पर सीरत-उन-नबी के जलसे मुनक़िद करेंगे। जैसा कि आप तमाम जानते हैं उस दिन कई लोग अपने अपने तौर पर ज़ियाफ़त का एहतमाम कर रहे थे। मैं ये भी बता दूँ कि मसूर सेठ खुशहाली पिछले कई सालों से 12 दिन की मुनासिबत से 12 मन का खाना मोहताजों और मुस्तहक़ों और तमाम को इसको इंतजाम किया करते थे, और इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें यह मशवरा दिया गया है कि 12 मसाजिद को चुनते हुए वो अपने अपने तौर पर 12 दिन मुसलसल इस तरतीब को बहाल रखें। और मैं ये भी बता दूं तनवीर सेठ ने यह भी कहा कि जैसा कि हम लोग इजलास तरतीब नहीं दे सकते, लेकिन ऑनलाइन के मदद से हर आलिम दीन सीरत नबी के तवल्लुक से अपने अपने तासरात को बयान करें, और मिंजुमला ये बात सामने आई कि मीलाद के दिन हर घर मीलाद का एक मजहर बना दें, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम एक तरफ हुकूमत की और वक्फ की पाबंदियों को बहाल रख रहे हैं, तो दूसरी जानब हमारी अपनी अकीदत और उस दिन की मुनासिबत से जो करना है इंशाल्लाह वो तय कर चुके हैं। मैं ये भी बता दूं कि इस मरतबा ना चांदियां पेश होंगी, ना कोई मॉडल्स होंगे, ना कोई जुलूस निकलेगा, तो ये वाजा रहे कि कोई भी इस मरतबा इस तरह की कोशिश में सामने ना आए, क्योंकि ये फैसला लिया जा चुका है कि इस मरतबा ना आम जुलूस होगा, ना कोई चांदनी निकलेगी, ना कोई जुलूस होगा। इस लिहाज से जो भी वहां मीटिंग हुई थी हम आपके रूबरू तमाम चीजें पेश करते हुए यही उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह से अब तक मुकम्मल तौर पर हमने अपने तौर पर तमाम हुक्म को बजा लाया है, आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। आदाब। आज हम लोग आप इजलास के फिकर के साथ एक मशवरा करने के लिए जमा हुए हैं। साल 2020 में माह रमजान हमारे दरमियान गुजरा, तरावियों की नमाज ताखराते हैं, यहां तक कि ईद की नमाज भी बहुत सारे लोगों को है ना मसाजिद में और ईदगाह में अदायगी करने का मौका नहीं मिला। ईद उल अज़हा के मौके पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगने की वजह से लोगों की कुर्बानियों में भी एहतियात और बहुत सारी रुकावटें पेश आई। इसके बाद माह मुहर्रम हमारे दरमियान से गुजरा, शहादत के
मौके पर भी बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई, यहां तक के मस्जिदों में नमाज अदा करना भी मुश्किल का काम था। रफ्ता रफ्ता हर चीज आज हमारे दरमियान खुलकर नजर आ रही है। अब ऐसे एक मौके पर शेर मैसूर एक तारीखी मुकाम है, सीरत नबी के जलसे चांदिया जुलूस, मैं समझता हूँ कि रियासत कर्नाटक में मिसाली शहर है। अब आज के हालात में हुकूमत हिंद रियासत कर्नाटक के जानिब से और रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए से जारी हुए चंद सर्कुलर के जरिए आम जलसे जुलूस और मोहल्लों में होने वाले छोटे पैमाने पर जो जलसे हैं इसे पूरे तौर से रोक दिया गया है। लेकिन मसाजिद के हद तक जो जलसे हो रहे हैं इसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहनकर, सैनिटाइजर्स के साथ 10 साल की उम्र के छोटे बच्चे इसमें शिरकत ना फरमाए और 60 साल के ऊपर के जहीर लोग इन जलसों में हिस्सा ना ले, इस पाबंदी के साथ जलसे करने का मौका दिया गया है। तो ऐसे मौके पर मुझे बात खुलकर भी करना पड़ता है कि दुनिया के आलम में कोरोना का वबा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों के सिर डालने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे दरमियान ये मौका सियासत बात करने का नहीं है, लेकिन दुश्मन को दुश्मन मानो, उनसे डर जाहिर ना करो, बिना बुनियाद या बिना वजह उनकी बात अगर आप करें तो उनको ताकत देने का मौका है, उनको नजरअंदाज करो, छोड़ दो, और तुम्हारा काम तुम करो। 20% लोगों को दिखाकर 80% लोगों को एक कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ये चीज को समझो, बिल्कुल सही। और हमारे में भी जो तंजीमें हैं, किसी की चापलूसी करने का काम ना करो, और हमारे खुद के कौम के आरएसएस के साथ जाकर जमे हैं, शर्म का लिहाज करो। हमने ये तय किया है कि मस्जिद आला श्रीरंगपट्टनम और गुम्बज़े शाही में मस्जिद के हद तक हम मिलादुन्नबी का जलसा करेंगे, और मस्जिद आला में आसार मुबारक का जो सिलसिला है, पहले सुन्नतुल जमात और मदरसे टीपू जामिया टीपू उनकी जिम्मेदारी में उनके अंदर आसार मुबारक भी किया जाए। तो आप मुसलमानों को दाखिल नहीं, ये क्लियर है। जी प्लीज सर, और बताइए आपने।